हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ खट्टी मीठी अनारदाना की चटनी की रेसिपी। अनारदाना की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए अनार का जूस 1 बड़ा कप या 250 ml, चीनी 1/8 कप, अनारदाना 2 बड़े चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। जूस को हमें एक पैन में निकाल लेते हैं और इसमें शुगर मिला लेते हैं और अब हम जूस को लो मीडियम फ्लेम्स पर उबलने के लिए रख देते हैं। जूस को हमें तब तक उबालना है जब तक कि ये अपनी क्वांटिटी का आधा रह जाता है। हम जूस को बीच बीच में स्टर करते रहते हैं और इसे आधा होने तक उबलने देते हैं। जब जूस अपनी क्वांटिटी का आधा रह जाता है तब हम इसमें बाकी चीज़ें मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च। इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स करके इसे और 1 मिनट तक पकने देते हैं। अब हम इसमें अनारदाना मिला लेते हैं और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर हम चटनी में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही 1/4 चम्मच काला नमक मिला लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब ये चटनी बिल्कुल तैयार है। इसे एक सर्विंग बोल में निकालकर ठंडा होने पर सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी अनारदाना की चटनी की रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।